लाइव क्रिकेट पिच में एडिटिंग कैसे की जाती है? अगर एक आदमी 40 डिओडोरेंट का इस्तेमाल एक साथ कर ले तो उसके साथ क्या होगा? सेफ की टोपी इतनी लंबी क्यों होती है? एक आदमी जिसने 50 साल से अपना हाथ नीचे नहीं रखा और कोने के टकराने पर करंट क्यों लगता है? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 20। दोस्तों, इस दुनिया में पैसे कमाने के लाखों तरीके हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि उन लाखों तरीकों में से एक तरीका अपनी पोटी बेचना भी है। असल में दोस्तों, साउथ कोरिया प्रोफेसर चो जाओ व्योन के द्वारा इस पूरी दुनिया की पहली ऐसी मशीन को बनाकर तैयार किया गया है कि ह्यूमन वेस्ट यानी अपनी फू को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती है। अमेजिंग बात तो ये है कि अगर आप डेली बेसिस पर आकर इनके पावर हाउस में आकर अपनी फू को सबमिट करते हो तो इस इलेक्ट्रिसिटी को बेचने वाले प्रॉफिट का कुछ पार्ट आपसे भी शेयर करते हैं। साउथ कोरिया में कई होटल्स और रेस्टोरेंट हैं, ये मशीन इनसे लगवाई है जिससे ये पू को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके अपने होटल्स और रेस्टोरेंट में यूज करते हैं। नंबर 19। जरा इस फोटो को देखिए, ये एक डॉक्टर के हाथ है। इन्होंने 10 घंटे बाद अपने ग्लव्स उतारे हैं, वो भी नए ग्लव्स पहनने के लिए। सोचिए इनको पूरा दिन कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। ऐसे हाथ कई घंटे तक पानी में रहने के बाद होते हैं और इनके हाथ ऐसे पसीने की वजह से हो गए, तो डॉक्टर्स के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 18। ये जो आदमी है, इन्होंने 50 साल से अपने हाथ नीचे नहीं रखे। इन्होंने 1973 से अपना हाथ नीचे ही नहीं रखा। असल ये शिवजी के भक्त थे और उन्हें खुश करने के लिए इन्होंने ऐसा करने का फैसला किया। पहले इन्हें ऐसा करने में बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, पर अब इनका कहना है कि अब इन्हें कुछ महसूस ही नहीं होता कि हाथ ऊपर है। इनका कहना है कि अब ये हाथ चाहकर भी नीचे नहीं कर सकते और इनका नाम है अमर भारतीय। नंबर 17। आप जब भी खाना बनाते हो तो आप गलती से कभी कभी ज्यादा नमक डाल देते होंगे, तो इसका एक सॉल्यूशन है। अगर आप नमक ज्यादा डाल देते हो और खाना अभी तक बन रहा है तो आपको एक छिला हुआ आलू उसमें डाल देना है। इससे वो सारा एक्स्ट्रा नमक खींच लेगा और फिर आप उस आलू को सब्जी से बाहर निकाल सकते हो। नंबर 16। आपने ऐसे एडवर्टाइजिंग बोर्ड तो देखे होंगे जो कि प्लेन और बोरिंग लगते हैं, पर एक बार शाओमी के इस बोर्ड को देखो। इन्होंने 3D एडवर्टाइजिंग बोर्ड बनाया है जो कि बहुत कमाल का है। अगर कोई ऐसा बोर्ड देखेगा तो उसका ध्यान डेफिनेटली इस पर जाएगा। नंबर 15। ये है दुनिया का सबसे कमाल का एक्वेरियम। ये ड्राइंग करी गई मछली को जिंदा कर देता है। यहाँ आप चाहो तो ड्राइंग करी गई मछली को इसमें डाल सकते हो और फिर ये उसे AI की मदद से एक रियल मछली बनाएगा और स्क्रीन पर देखकर ये ऐसा लगेगा जैसे कि रियल में ये मछली जिंदा है। ये सब बच्चों को खुश करने के लिए किया जा रहा है और ये स्पेशली बच्चों के ड्राइंग को रियल बनाता है। नंबर 14। ये कमाल का लाइफ हैक है। आपको पता होगा कि प्याज काटते वक्त आंखों से आंसू आते हैं, लेकिन इसको ठीक करने का एक कमाल का तरीका है। अगर प्याज को और चाकू को ठंडे पानी में डाल दोगे तो ऐसा नहीं होगा। दरअसल प्याज में एक लिक्विड होता है और जब वो हवा के कांटेक्ट में आता है तो वो गैस बन जाता है और हमें आंसू नहीं आते। तो आप इस ट्रिक को यूज करके आंसू रोक सकते हो। नंबर 13। इस इमेज में जो आपको आदमी दिख रहा है, बल्कि वो आदमी नहीं, एक स्टेचू है। इसमें एक आदमी दिखाया जा रहा है जो कि ट्रेवलिंग करके थक गया था। ये काफी कमाल का है, जो काफी गौर से देखने पर पता चलता है कि आदमी ना तो सांस ले रहा है और ना ही हिल रहा है। नंबर 12। इंडिया में कुछ जगह पर ट्रैफिक लाइट को LED में कवर किया गया है ताकि लोगों को ज्यादा क्लियर दिखे। वैसे दिखने में काफी सुंदर है। क्या इंडिया में हर एक लाइट को ऐसा करना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 11। एक बार इस बेल के सींग को देखो। कई बार तो इतने बड़े हो जाते हैं कि बेल की मौत का रीजन बन जाते हैं। कई लोग इन बेल के सींग का इलीगल तौर पर शिकार भी करते हैं। इन बुल्स को एनकोला कहा जाता है। नंबर 10। आपने पार्लियामेंट हाउस देखे होंगे जो कि ऐसे फुल पैक्ड होते हैं, लेकिन ये जर्मनी का पार्लियामेंट हाउस है जो कि कांच से बना है और अंदर क्या चल रहा है ये आप आराम से बाहर खड़े खड़े देख सकते हो। साथ में इसके ऊपर पब्लिक के चलने की जगह भी होती है। ये सब इसलिए ताकि गवर्नमेंट को ये बात याद दिलाया जा सके कि गवर्नमेंट को हमेशा लोगों के सामने ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए और ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि गवर्नमेंट से ऊपर पब्लिक है। नंबर 9। नेटफ्लिक्स ने एक काफी मोटिवेशनल बोर्ड लगाया है, ये देखो। इसमें लिखा है, डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, यू स्टार्टेड विद DVDs, और ये बोर्ड काफी लोगों को इंस्पायर भी किया होगा। नंबर 8। एक बार इस स्कल्पचर को देखो। ये पूरा स्कल्पचर बोतल से बनाया गया है क्योंकि हर साल हजारों की तादाद में यहाँ लोग घूमने आते हैं और यहाँ बहुत सारे लोग बोतल फेंक कर जाते हैं। इसलिए कुछ लोगों ने सारी कांच की बोतल कलेक्ट की और इससे एक कमाल का आर्ट बनाया। इसे ग्लास फिश कहा जाता है। इसके दो फायदे हैं। पहला, ये टूरिस्ट को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा और दूसरा, ये लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाएगा कि यहाँ पर कचरा नहीं फेंकना चाहिए। नंबर 7। मोस्टली क्रिकेट मैच को लाइव देखने में ही मजा आता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है लाइव मैच में एडिटिंग कैसे करते हैं? अगर आपने सोचा है तो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले क्रिकेट ग्राउंड पर 30 से 35 कैमरा होते हैं जो सारे एंगल्स पर घूम सकते हैं और अंदर 50 लोगों की टीम होती है जो एडिटिंग संभालती है।
और एक हेड होता है जो बताता है किस वक्त पर कौन से कैमरे का वीडियो दिखाना है। साथ ही एक टीम होती है जो कि एडिटिंग के ओवरलेस पर ध्यान देती है, यानी कि जो रन्स होते हैं, जो 6:4 के एनिमेशन होते हैं वो सब। और फिर एक होती है एनिमेशन टीम जो बॉल की प्रोजेक्शन दिखाती है। जब बॉल पैड्स पर लगता है तब ये काम बहुत जल्दी पर पैशनेटली किया जाता है, क्योंकि एक गलती सब बिगाड़ सकती है। नंबर 6, अलास्का में एक पिज्जा प्लेस नाम की एक जगह है, और अगर आप वहां से पिज्जा ऑर्डर करते हो तो आपका पिज्जा हेलीकॉप्टर से आएगा, पर पिज्जा का पता नहीं पर हेलीकॉप्टर को देखकर पैसे वसूल हैं, और ये हेलीकॉप्टर फ्री में ब्रांडिंग भी करता है। नंबर 5, 1996 में माइकल जैक्सन इंडिया आए थे और उन्होंने यहाँ पर अपना एक कॉन्सर्ट किया था, लेकिन उन्होंने कॉन्सर्ट वालों से कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं ली, और ऊपर से जो भी इस कॉन्सर्ट से प्रॉफिट आया था उसमें से 80% पैसों को 2,00,000 जॉब जनरेट करने में लगा दिया, और बाकी बचे पैसों से गरीबों को पढ़ाया गया। तो आपने कभी सोचा है माइकल जैक्सन इतने ज्यादा फेमस क्यों थे? तो उसका रीजन ये भी है। नंबर 4, आपने कभी इन चिप्स के पैकेट पे इन लाइंस को नोटिस किया होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हो कि इसका काम क्या होता है? दरअसल इसके एक नहीं बल्कि बहुत सारे काम होते हैं। सबसे पहला, जब चिप्स को पैक किया जाता है तब सील करने के दौरान ये हेल्प तो करता ही है, साथ में चिप्स के पैकेट को एयर टाइट बना जाता है, और एयर टाइट बनाने में ये मदद तो करता ही है, और इसका सबसे मेन यूज होता है इस पैकेट को फाड़ने में। अगर आप चिप्स के पैकेट को फाड़ रहे हो तो आपको हमेशा यहाँ से फाड़ना चाहिए। हम अक्सर चिप्स के कोने काट देते हैं, आपको पता नहीं होगा लेकिन ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि चिप्स का पैकेट रिसाइकल हो जाता है लेकिन छोटा सा पीस जो कटा है वो कभी भी रिसाइकल नहीं होता, और ये हमेशा के लिए अर्थ में कचरा बनकर रह जाता है। एक साथ 40 ड्यूडेन का इस्तेमाल किया जाए तो क्या होगा? असल में दोस्तों ये क्वेश्चन सुनने में काफी ज्यादा अजीब लग रहा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा पर्सन भी मौजूद था जिसने एक बार में इतनी बड़ी क्वांटिटी में ड्यूडेंट का इस्तेमाल किया था? असल में दोस्तों साल 2016 में थॉमस टाउनसन नामक 16 वर्षीय लड़के ने शराब के नशे में अपने रूम में रखे 45 ड्यूडेंट के डब्बे को एक साथ एक के बाद एक स्प्रे कर लिया, जिसके चलते हुए उसके शरीर में सांस के साथ साथ बड़ी क्वांटिटी में ब्यूटेन गैस पहुंच गई, एंड एज अ रिजल्ट उस ब्यूटेन गैस ने चंद ही सेकंड में उस 16 वर्षीय लड़के की जान ले ली। और इसी के लिए इस वाक्य को दुनिया का सबसे पहला वाक्य भी माना जाता है, जिसमें लोगों को ये मालूम पड़ा कि अगर कोई भी इंसान इतनी बड़ी क्वांटिटी में डिओड्रेंट का इस्तेमाल कर ले तो उसके परिणाम हमारे शरीर पर क्या होंगे। नंबर 2, आपने आज तक ऐसा जरूर सोचा होगा कि जो शेफ होते हैं वो अपने सर पर इतनी लंबी टोपी क्यों पहनते हैं? दरअसल इसकी कई वजह हैं। सबसे पहली, एक शेफ टोपी इसलिए पहनता है कि वो जो खाना बना रहा हो उसके बाल खाने में ना गिर जाए, क्योंकि ऐसा होगा तो कस्टमर को प्रॉब्लम हो सकती है और उसका नाम भी खराब हो सकता है। साथ ही में जो शेफ की टोपी होती है वो उसकी स्किल्स को बताती है, यानी कि शेफ कितना टैलेंटेड है। अगर किसी शेफ के सर पर 100 से ज्यादा सल वाली टोपी है तो इसका मतलब ये है कि वो शेफ 100 तरीके से ऑमलेट बना सकता है। यही नहीं, जो शेफ की स्कूल्स होते हैं या फिर बड़े रेस्टोरेंट होते हैं उसमें हर एक लेवल के शेफ के लिए एक अलग टोपी होती है, और जैसे ही शेफ का प्रमोशन होता है वैसे ही उसकी टोपी चेंज हो जाती है। ये बिल्कुल मिलिट्री रैंकिंग जैसा है। नंबर 1, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब भी आपकी कोहनी किसी चीज से टकराती है तो आपको करंट लगता है? तो आखिर ऐसा होता क्यों है? दरअसल हमारी कोहनी में एक बैटरी होती है जिसकी वजह से हमें झटका लगता है। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली हमारी कोहनी में एक नस होती है जो ब्रेन तक सिग्नल लेके जाती है, लेकिन ये नस बाकी नस की तरह प्रोटेक्टेड नहीं होती है, पूरी तरीके से अनप्रोटेक्टेड होती है। इसलिए ये नस जब भी दब जाती है तो सिग्नल्स कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, और इसलिए हमें झंझनाहट फील होती है जिसे हम करंट कहते हैं। अगर इस पर जोर से चोट लगे तो ये थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितने अमेजिंग वीडियो देखते हो। और ऐसे ही वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, इन वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हो, ये भी काफी अमेजिंग वीडियोज हैं।